हेलो फ्रेंड्स, फेशियल से चेहरे पर आने वाले ग्लो के हम सब दीवाने हैं। साथ ही इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता है कि फेशियल करवाना बहुत महंगा पड़ता है। सिर्फ उससे मिलने वाले ग्लो की वजह से हम पैसों की परवाह किए बिना ही पार्लर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घरेलू उपायों में भी कुछ ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपना कर हम बहुत कम पैसों में घर पर ही फेशियल जैसा ग्लो पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में घर पर ही फेशियल जैसा ग्लो पाने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नेचुरल टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दही। 2 चम्मच दही लें, उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करें, फिर इसे चेहरे पर लगाकर फेशियल स्टेप फॉलो करें। 15 से 30 मिनट तक फेशियल करने के बाद इसे साफ पानी से धोएं। फिर चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाकर 5 मिनट तक मसाज करें। शादी पार्टी में जाने से 2 से 3 दिन पहले ही इस उपाय को रोजाना करें। इससे चेहरे को पोषण मिलने के साथ ही निखार भी आता है। नेक्स्ट है ग्लिसरीन में मिलाया आटा। 1 कटोरी आटे को आटा छन्नी से छाने। छानने के बाद आटे का वेस्ट निकाल कर छन्ने में आ जाएगा। इस वेस्ट में 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। अगर अब भी यह गाढ़ा लगे तो नींबू के कुछ बूंदे भी मिला सकते हैं। फिर इसे चेहरे पर लगाएं और बिल्कुल हल्के हाथों से मले। ध्यान रखें कि इसे 10 से 15 मिनट से ज्यादा चेहरे पर न लगे रहने दें। फिर साफ पानी से मुंह धो लें। इससे फेशियल का निखार तो आएगा ही, साथ ही फेस स्क्रब भी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसन में मिलाएं नींबू। 2 से 3 चम्मच बेसन लें, उसमें 4 से 5 चम्मच पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को 5 मिनट के लिए फ्रीज में रखें। जब पेस्ट ठंडा हो जाए तो चेहरे पर लगाकर फेशियल स्टेप करें। इसे 15 मिनट से ज्यादा न रगड़ें। फिर ठंडे पानी से चेहरा धोकर चेहरे पर एलोवेरा जेल मले। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल में चीनी। 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल लें, उसे अच्छे से फेंट कर पेस्ट बना लें। फिर इसमें 1/2 चम्मच चीनी मिलाएं। इसे हल्के हाथों से चेहरे पर मले। फेशियल स्टेप फॉलो करते हुए 10 से 15 मिनट तक इसे चेहरे पर लगे रहने दें। फिर इसे ठंडे पानी से धोकर सूती कपड़े से चेहरा साफ कर लें। नेक्स्ट है खीरे के रस में मिलाएं मसूर की दाल। मसूर की दाल को भिगोकर बारीक पीस लें। एक खीरा लेकर उसे आधा काट लें, फिर कद्दूकस कर उसका रस निकालें। मसूर की दाल में खीरे का रस मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। फिर इसे चेहरे पर लगाकर फेशियल स्टेप फॉलो करें। इससे चेहरा निखर उठेगा। इस बात का ध्यान रखें कि मसूर की दाल दरदरी होगी तो चेहरे पर घाव हो सकता है, इसलिए दाल बारीक पीस कर रखें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप घर पर ही फेशियल जैसा ग्लो पा सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।